बाइट किया, मेरे को मालूम था करेगा ये बाइट। गाजपुर से 22 किलोमीटर दूर सकर्रा गांव में आए हुए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि घर के लोग घर के बाहर हैं क्योंकि घर के अंदर सांप ने कब्जा जमा के रखा हुआ और सारे घर के लोग बाहर हो चुके हैं। ये हमारी दीदी है और दीदी जो कि अपने पिता से बहुत प्रेम करती है इसलिए बार बार अपने पास पापा के पास आ जाती है। तो चलिए हम रेस्क्यू कम्प्लीट करते हैं। यहाँ से सांप पे नजर रखा जा रहा है इस खिड़की से, तो चलिए हम लोग दिखाते हैं। दोस्तों बड़ा ही खूबसूरत सा नजारा है ये तो। वाओ। दोस्तों देखिए लोग सही कहते हैं कि सांप जो है बहुत डरपोक जीव है, तो देखिए आप ही किस तरह से अपने भगवान जी को लपेट के बैठा हुआ है। और ये धार्मिक आस्था से मत जोड़िएगा, ये जीव है उसे कुछ नहीं मालूम। और चलिए आगे रेस्क्यू करेगी आरती। नहीं जरूरत नहीं। देखिए दोस्तों ये जो ये लोग सामने से अपने मुंह चपटा करते हैं इसका मतलब ये होता है कि बहुत ही ज्यादा ये गुस्से में है। बाइक मारेगा। आपका बहुत धन्यवाद। आप मेरे को नंबर दे दीजिएगा, लेकिन बहुत निकलता है इसी। कमाल क्या है? असड़िया असड़िया बोल रहे हैं। फिर कहाँ जाओ? झील झील मुझे झील के सोचे चल कौन भी सर पर ओ दादा आई आई बाहर नहीं चलो। देख कितना बड़े हवाई भाग गई लोग कूद दे है यार ये तो पकड़ का है यार। बाइट किया, मेरे को मालूम था करेगा ये बाइट। ओकर गोर हाथ रे ए पूजा तुम ऐसे पकड़ रहे। दोस्तों इस सांप का डर गांव में बहुत ज्यादा है क्योंकि उनको ये लगता है कि जो ग्रे कलर का होता है वो असड़िया सांप नहीं होता, वो बहुत ही ज्यादा जहरीला सांप होता है, पर असल में ये रेड स्नेक ही है। यह इन दिनों घर में सिर्फ चूहे के चक्कर में घुसता है, बाकी इसमें कोई जहर नहीं होता है, इसलिए किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। ये सब दो तीन कलर में पाए जाते हैं, इसलिए कलर से आप लोग कभी धोखा मत खाइएगा। तो इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो हम लोग फिर मिलेंगे रेप्टाइल की मदद करते हुए, लोगों की मदद करते हुए। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, वैसे थैंक यू। जय हिंद।